टुडे अगेन टॉपिक्स। पहले हमने हरियाणा के मैप पे हरियाणा का जितना भी स्थल है उनके बारे में बताया। आज हम भारत में भारत की जो फेमस चीज़ें हैं उनके बारे में बताएंगे। भाई इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें फेमस है और कितने स्टेट है उनका बाकायदा नाम भी बोला जाएगा आपको। हाँ मैं कितनी डिस्ट्रिक्ट स्टेट के हिसाब से और कितनी यूटी है इंडिया के अंदर। सबसे पहले हम आपको पता है जो इंडिया हमारा जो मैप है तो वो सबसे पहले आपको ये वाली जो साइड होती है उसको ये वाली साइड ऊपर वाली साइड है इसको हम नॉर्थ बोलते हैं। नॉर्थ से फिर इसको हम साउथ बोलते हैं। साउथ से फिर ये हमारा ईस्ट का होता है और ये हमारा वेस्ट का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो हम मैं आपको साउथ की ओर लेके चलता हूँ। साउथ में जो हमारा सबसे पहले जो जम्मू एंड कश्मीर है पहले 370 धारा के तहत नरेंद्र मोदी ने अब इसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया है। श्रीनगर में फेमस चीज है डल लेक। डल लेक के नाम से जाना है वहां पे बहुत फेमस। लेक का मतलब झील। बहुत फेमस झील है वो। उसके बाद में श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से लेके आपके पास हिमाचल में लेके चलता हूँ आपको। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या फेमस है आपको केदारनाथ बद्रीनाथ का नाम ये सुना होगा वहां पे एस्टेब्लिश है। और उसके बाद मैं आपको सीधा पंजाब में लेके चलता हूँ। पंजाब में आपको पता है गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल आपने जाना होगा भी पंजाब के अंदर है गोल्डन टेम्पल। उसके बाद में आपको दिल्ली हमारी जो भारत की राजधानी है दिल्ली उसमें आपको सुना होगा कुतुब मीनार है दिल्ली के अंदर। और फिर सीधा लेके चलता हूँ मैं हरियाणा में। हरियाणा में भी काफ़ी अच्छी फेमस चीज़ें हैं। मैंने हरियाणा की वीडियो डाल रखी है आपको वो वीडियो देखनी है। उसमें सारी डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने फेमस फेमस प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो लिख रखी है। उसके बाद में मैं सीधा आपको हरियाणा से फिर उत्तराखंड लेके चलता हूँ। उत्तराखंड। उत्तराखंड आपको पता है वादियों का है। जैसे उत्तराखंड है और जो नैनीताल है ये सारी वादियों के हैं। जैसे विजिटर वगैरह है जो घूमने वाले लोग हैं काफी विजिटर जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए। काफी हसीन वादियां हम अभी। और ताजमहल आगरा में आपको पता ही है। आगरा में है ताजमहल। और फिर सीधा लेके चलता हूँ मैं आप। पहले हम जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से हिमाचल। हिमाचल से हम पंजाब। पंजाब से फिर हम उत्तराखंड में आए हैं। उत्तराखंड से हम हरियाणा में आए हैं। हरियाणा से दिल्ली के बारे में बताया। फिर उसके बाद मैं आपको राजस्थान में लेके चलता हूँ। राजस्थान में आपको पता है हवा महल है जयपुर में जो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर राजधानी है वहां पे हवा महल है बहुत फेमस है वो। उसके बाद में मैं आपको उत्तर प्रदेश में लेके चलता हूँ माय डियर। उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है जो फेमस चीज़ें हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे फेमस तो चीज़ें हैं जनसंख्या बहुत ज़्यादा है यूपी की। सबसे फेमस चीज़ ये है। ओके उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा गुजरात। गांधीनगर इसकी कैपिटल है गुजरात। गुजरात से फिर मैं आपको उत्तर प्रदेश से सीधा फिर गुजरात आए हम। गुजरात से फिर मैं आपको मध्य प्रदेश में लेके चलता हूँ एमपी में। एमपी से फिर आपको लेके चलता हूँ बिहार। बिहार से फिर मैं आपको लेके चलता हूँ भाई झारखंड। झारखंड से फिर हम वेस्ट बंगाल में आते हैं। वेस्ट बंगाल में अभी ममता बनर्जी सीएम आपने देखा होगा वोटिंग हुई थी अभी पीछे। तो वेस्ट बंगाल काफी फेमस रहा है उस इलेक्शन में। तो उसके बाद में फिर मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से फिर मैं उड़ीसा। उड़ीसा में लेके चलता हूँ। उड़ीसा के अंदर आपको जगन्नाथपुरी टेम्पल का नाम सुना होगा वो पुरी में बिल्कुल फेमस है। और एक हावड़ा ब्रिज नाम भी सुना है आपने। उसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा महाराष्ट्र जो बम्बई है। महाराष्ट्र गेट ऑफ इंडिया। मुंबई जो महाराष्ट्र के अंदर है गेट ऑफ इंडिया है वो महाराष्ट्र में मुंबई में है और ये कैपिटल है मुंबई की महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। उसके बाद में आपको तेलंगाना हैदराबाद दोनों ही इक्वल स्टेट है जैसे हमारा पंजाब और हरियाणा है ऐसे ही। और यहाँ पे आप एक चार मीनार के नाम से चार मीनार है हैदराबाद में। और सबसे छोटा स्टेट गोवा इसका नाम आपको सुना होगा। यहाँ पे भी काफी विजिटर जाते हैं ठंड में काफी फेमस है गोवा। उसके बाद में आप कर्नाटक। कर्नाटक से फिर मैं आपको लेके चलता हूँ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से फिर मैं सीधा साउथ में आ जाता हूँ जैसे तमिलनाडु है केरल। केरल में आपको बोट रेस के बारे में सुना होगा केरला में है ये। उसके बाद में मैं आप इंडिया के
ईस्ट में चलता हूं, ईस्ट में आप देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, असम के बाद नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे के सारे माय डियर ईस्ट ईस्ट इंडियन बोले जाते हैं। ये सारा का सारा पूर्वी क्षेत्र है भारत का। और गंगटोक, आपको सुना है गंगटोक में रामटेक मंस्ट्री है, गंगटोक में सिक्किम की जो कैपिटल है, सिक्किम के अंदर है ये मंस्ट्री। और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, और फिर मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे पड़ोसी देशों के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। पड़ोसी देश कौन कौन से हमारे, सबसे पहले तो हम अफगानिस्तान है जो वहीं पे नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ में है, उसके बाद में नीचे आएंगे तो वेस्ट साइड में थोड़ा सा पड़ जाता है हमारा पाकिस्तान, फिर हम ईस्ट साइड में थोड़ा सा जाएंगे तो वहाँ पे आपको चाइना मिलेगा। अभी आपको पता है आपकी छुट्टियाँ वगैरह चाइना के अंदर, वेगन सिटी के अंदर आया था कोरोना, उसी हिसाब से वो चाइना है, ठीक है डियर। उसके बाद में आप भूटान, ऐसा भूटान नेपाल, इसके पास ये तिब्बत बोलते हैं जैसे, आप भूटान है नेपाल, उसके बाद में बांग्लादेश है, म्यांमार है, और सबसे नीचे आप जाओगे तो जैसे नीचे बिल्कुल डाउन में जाओगे आप वेस्ट साउथ की तरफ तो वहाँ पे श्रीलंका है। ये सारे के सारी बाउंड्री जो मैंने आपको दिखाई है पूरे के पूरे इंडिया, इंडियन जो हमारा नक्शा, उसके पास कौन कौन से कंट्री लगती है और कौन कौन से देश है, उनकी कैपिटल है, जैसे मैं जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, पंजाब और हरियाणा की आपको पता है चंडीगढ़ है, और राजस्थान की जयपुर है, गुजरात की गांधीनगर, ये सारी की सारी कैपिटल आपको अपने नोटबुक में राइट करनी है, ठीक है डियर, थैंक यू।